पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को वापस लाने के लिए मदद मांगी है। गुलाम ने कहा कि पबजी गेम के जाल में फंसकर उसके चार बच्चे और पत्नी भारत पहुंचे हैं, उन्हें वापस भेजने में मदद करें। साथ ही गुलाम हैदर ने भारतीय मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। भारतीय मीडिया के जरिए बच्चों की लोकेशन भी पता चली है। हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया। कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया उनको। मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है, मैंने देखा मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्कीन बंदा हूं, बस मैं शुक्रगुजार हूं मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में एक महिला ने महिला कांस्टेबल पर पिटाई करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद वो इंसाफ के लिए कोतवाली पहुंची। पीड़िता की हालत बाद में बिगड़ गई और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पीड़ित महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पड़ोसी से मारपीट के बाद वो इंसाफ के लिए कोतवाली पहुंची थी। शहर शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया गया। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर। नोएडा से थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के अंतरिक्ष गोल्फ व्यू में अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। इस दौरान बिल्डर के प्रतिनिधि और बाउंसर पर नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों के साथ की अभद्रता का आरोप भी लगा है। पार्किंग स्ट्रीट में बने वेश फ्लैट्स को तोड़ने के लिए पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट पार्किंग में कुल 33 फ्लैट बने हुए हैं।